अगर कोई व्यक्ति किसी औरत का रेप करता है तो उसका लिंग और टेस्टिकल काट देना चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि हमारी तीसरी सदी के प्राचीन भारत का एक धर्म ग्रंथ है, यज्ञवल्क्य स्मृति, ये उसमें लिखा है। और ये वो ग्रंथ है जो पुराने जमाने के राजा महाराजा इंसाफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कमाल की बात है ना, आज से 1700 साल पहले रेपिस्टों को वो सजा मिलती थी जो आज के जमाने में हमारे यहां अभी तक किसी रेपिस्ट को नहीं मिली। पिछले 10 सालों में ही करीब 3 लाख रेप केसेस हुए हैं। इसका मतलब है करीब 11 रेप हर घंटे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन बस दुर्गा के रूप में औरत को पूजने वाले इस देश में जब तक रेपिस्ट जैसे हैवानों को सजा नहीं मिलेगी ना, तब तक दुर्गा या फिर हर साल दिवाली पे लक्ष्मी जी को पूजने का भी कोई मतलब नहीं। चाहे कोई 6 साल की बच्ची हो, निर्भया, या फिर हाल ही में हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हुआ रेप, मंदिर मस्जिद सब बाद में बनते रहेंगे यार। मांगना है तो सरकार से अपनी बहन बेटियों को बिना किसी डर के इस देश में कहीं भी रहने की आज़ादी मांगो। मांगना ही है तो उन हरामजादों रेपिस्टों की ऐसी मौत की सजा का कानून मांगो कि फिर कभी किसी इंसान के जहन में रेप करने का ख्याल भी आए ना तो उसकी रूह तक कांप जाए।